हेलो गाइस, वेलकम टू मॉम्स लवेबल जेली। आज के इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं केले के चिप्स। इसे बनाने के लिए हमने केले छील लिए हैं। आपको केले कुछ इस तरह से छीलने हैं। ऐसे ही अब हम अपने पूरे केले को छील लेंगे। ऐसे अब हमारा केला पूरी तरह से छिल चुका है। देखिए, हमारा केला बिल्कुल सफ़ेद रंग का निकल आया है। अब हम इसके चिप्स काटेंगे। अब हमने इसके चिप्स काटने शुरू कर दिए हैं। हल्दी वाले पानी हम हमारे चिप्स को हल्दी वाले पानी में डालेंगे ताकि उसमें येलो कलर आए। ऐसे हम पूरे केले के चिप्स को काट देंगे। इसी तरह हमने अपने सारे केले चिप्स बना लिए हैं। मैंने हल्दी वाले पानी में रख लिया है। अब हम इन्हें आधे घंटे के ढक के रख देंगे। अपने चिप्स को छान लेंगे और धो लेंगे इनको। अब हम इन्हें एक कपड़े पे निकाल लेंगे। इसके ऐसे पूरे में फैला लेंगे अच्छे से। उठा लिया हमने। अब हम इन्हें ऊपर से भी कवर कर देंगे। अब हम इन्हें 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि इनमें से सारा पानी सूख जाए। केले जब सूख के तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। से प्लेट में निकाल लिए हैं और हम इन्हें फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पे तेल गर्म होने रख दिया है। अब हम एक चिप्स डाल के देख रहे हैं कि तेल गर्म हुआ है या फिर नहीं हुआ। गाइस, अब हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें चिप्स डालेंगे। कंटिन्यू चलाते रहेंगे। अपने टिप्स को कंटिन्यू चलाते रहना है। गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें सेकते रहेंगे हम। इन्हें हमें 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही सेकते रहना है कि तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें अलग से निकाल लेंगे। कौन आ रहा है? इसी तरह हम बाकी के बैच भी सेक लेंगे। दूसरा बैच भी सिक्के रेडी हो चुका है और हम इन्हें भी निकाल लेंगे। अब हमारे दोनों में सिक्के रेडी हो चुके हैं। अब हम इसमें सेंधा नमक ऐड करेंगे। आप इन्हें व्रत में भी खा सकते हैं। आप व्रत में ना खाना चाहें तो इसमें आप चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। यह हो चुके हैं, ये हमारे चिप्स रेडी हो चुके हैं। अरे देखिए कितने क्रिस्पी हैं। ये देखिए आप, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप हमारे एक भी लेटेस्ट वीडियो को मिस ना कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।